Sir, yes, madam. Okay. हाँ बेटा, now first of all, yes, you can ask your doubt. Those who are having the doubt, पहले आप लोग अपने doubt पूछ लो. Sir, can I ask my doubt? हाँ बेटा, बोलो अपने doubt बोलो. Sir, if carpool is not in Netra, please mute yourself. How can we survive and what will our body will work? बेटा एक मिनट. बेटा आपका नाम क्या है? मैम सर प्रति. एक मिनट. हाँ बेटा, नाउ आस्क योर डाउट. सर, इफ वी नीड कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स इन अवर बॉडी एंड देयर इज नो प्रोटीन फैट्स एंड विटामिन इन एनी फूड्स एंड मिनरल्स, सो हाउ कैन अवर बॉडी विल बी परफॉर्म गुड एंड हाउ? Means you want to say that we will have only the carbohydrate, but rest of the things we will not have. Then what will happen? Is it? No, sir. If we need carbohydrate, so in any foods there is no carbohydrate. So how will be our body will function? Beta, see. Whatever the energy which you need for the normal functioning, that energy we will get from the carbohydrate. The energy which we use for the daily work, the energy due to which you can speak, the energy due to which you can walk, they all will come from the carbohydrate. But the coordination among the different body systems, your body will feel fresh. Your body will not feel any problem in any part. Okay, this will be okay. They will do it. Okay, sir. Anybody else? Beta, anybody of you want to ask the question? Then please use the. My voice is not coming to all of you. मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को. प्राची एंड विश्व आर नॉट गेटिंग माई वॉइस. ओके वेट. ओके नाउ माई वॉइस इज कमिंग चिल्ड्रन. और मेरी आवाज आ रही है? आर्या, नाउ इट्स क्लियर? ओके चलो. ओके नाउ स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू नाउ प्लीज फोकस इन द टेक्स्ट बुक. फैट्स टू प्रोवाइड अस एनर्जी. फैट्स भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, अब देखो बच्चों, फैट में अगर मैं आपको बताऊं तो जनरली वी आर हैविंग द टू कैटेगरीज. द बोर्ड एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने कल कर लिया था, टेक्स्टुअल हमारा बाकी था. नाउ वी आर डूइंग इट राइट नाउ. ऑल ऑफ यू नाउ सी इट. द फैट्स टू प्रोवाइड अस एनर्जी. दे आर ऑफ द टू टाइप. ये दो प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. ठीक है, सैचुरेटेड फैट्स आर नॉर्मली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. द फैट दोज हु आर सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर, वो फैट जो हमारे रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं उसको मैं क्या बोलूंगा? सैचुरेटेड. द फैट दोज हु आर सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर दे विल बी कॉल्ड एज अ
saturated, and the fat which is liquid at the room temperature, they will be called as the unsaturated. याद रखना बच्चों, फैट की दो कैटेगरीज होती है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. ओके, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. ठीक है, सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं, सैचुरेटेड फैट कौन से होते हैं जो हमारे बॉडी में सॉल्युबल होते हैं, सॉरी दोज आर सॉलिड, जो सॉल्युबल नहीं है द रूम टेम्परेचर. द फैट दोज आर सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर दे विल बी कॉल्ड एज अ सैचुरेटेड, एंड द फैट दोज आर इनसॉल्युबल दे विल बी कॉल्ड एज अ अनसैचुरेटेड. ठीक है, दोनों में से आप कोई एक याद रखो. द फैट विच इज सॉलिड, द फैट विच इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, द फैट विच इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, द सॉलिड विच इज फैट, द फैट विच इज सॉलिड, द फैट विच इज सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर विल बी कॉल्ड एज अ सैचुरेटेड. ठीक है, वेयर एज द अनसैचुरेटेड फैट्स आर मोस्टली लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर, वेजिटेबल ऑयल्स, मीट ऑयल, मीट ऑयल, घी, नट्स, बटर एंड चीज आर द सोर्सेस ऑफ फैट. मीट ऑयल, घी, नट, बटर और चीज, इन सबसे हमें क्या मिलता है, फैट मिलता है. नाउ मिल्क, फिश एंड एग ऑल्सो कंटेन द फैट्स, मिल्क, फिश और एग से भी हमें फैट मिलता है. ठीक है बच्चों, सबसे पहले फैट क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है. फैट की दो कैटेगरीज होती हैं, इट इज नोन टू ऑल ऑफ यू. नाउ ऑन व्हाट बेसिस जनरली वी यूज्ड टू डिवाइडेड द फैट, where the saturated fat will be, see children, हाँ तो ये जो fat है अगर solid है then it will be called as a saturated, और अगर solid नहीं है then it will be called as a unsaturated. अगर solid है तो saturated, और अगर unsolid और अगर solid नहीं है then it is unsaturated. ठीक है, Though the fats are essential for our bodies, eating too much of food items rich in the fat can be harmful. मतलब फैट आपकी बॉडी के लिए जरूरी है, फैट के बिना हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. फैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, बट इवन दो we need the fat in the less amount. Why? Because in our day-to-day work, हमारे रोज के काम में fat burn नहीं होता है. बच्चों आप जो भी काम करते हो, जितना भी आप पढ़ाई कर लो, खेल लो, ठीक है ना, आपके खेलने से, पढ़ने से या बात करने से या कोई काम करने से आपके बॉडी का फैट बर्न नहीं होगा, आपके बॉडी का फैट यूज नहीं होगा. आपकी सारी एक्टिविटीज में आपके बॉडी का कार्बोहाइड्रेट यूज होगा. ठीक है ना, अगर आप फास्ट कर रहे हो, ठीक है ना, अगर आप खाना नहीं खा रहे हो, कई दिनों से आपने खाना नहीं खाया है और आपके बॉडी का कार्बोहाइड्रेट फिनिश हो गया है, तभी आपकी बॉडी का फैट यूज होगा, अदरवाइज आपके बॉडी का फैट यूज नहीं होगा. दैट्स व्हाई वी आर बीइंग टोल्ड कि आप फैट को थोड़ा कम खाओ, क्योंकि जो आपने पहले फैट खाया था वो अभी तक मेंटेन्ड है, वो अभी तक यूज नहीं हुआ. ठीक है ना, तो पहले आपने फैट खाया था वो आपकी बॉडी में है, अभी आप और फैट खाओगे तो ये भी जाकर के आपकी बॉडी में स्टोर हो जाएगा. इस तरह करते करते अल्टीमेटली यू विल हैव अ प्रॉब्लम. ठीक है ना, इसीलिए नाउ दो द फैट आर एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, ईटिंग टू मच ऑफ फूड आइटम रिच इन द फैट कैन बी हार्मफुल. एक्सेस बॉडी फैट लेड टू द कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी. बहुत ज्यादा फैट अगर आपकी बॉडी में स्टोर हो जाएगा देन दैट कंडीशन विल बी कॉल्ड एज ओबेसिटी.
अगर आपके बॉडी में बहुत ज्यादा फैट इकट्ठा हो गया देन दैट कंडीशन विल बी कॉल्ड एज ओबिसिटी, ठीक है ना। ओबिसिटी मे ऑल्सो लेड टू हार्ट डिजीज, ओबिसिटी मे ऑल्सो लेड टू हार्ट डिजीज, ओबिसिटी से हमें हार्ट डिजीज भी हो सकता है, ओबिसिटी से हमें हार्ट डिजीज भी हो सकता है, ठीक है ना। वी मे हैव द प्रॉब्लम ड्यू टू ओबिसिटी नोन एज द हार्ट डिजीज। नाउ चिल्ड्रन सी वन ऑफ द क्वेश्चन हैज केम कि वेयर आर द सैचुरेटेड फैट्स आर लोकेटेड। बेटा इट विल डिपेंड अपॉन देखो बच्चों, जनरली जो सैचुरेटेड फैट होगा वो हमारे फैट टिश्यूज में मिलेगा, ध्यानी ध्यानी कुंडारिया, ध्यानी कुंडारिया 6A, ध्यानी कुंडारिया। यस बेटा आई एम गिविंग द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं। सुनिए, हमारी बॉडी में जो सैचुरेटेड फैट है वो सैचुरेटेड फैट हो या अनसैचुरेटेड फैट हो, ये दोनों के दोनों हमारे फैट टिश्यूज में आकर के इकट्ठा होंगे। इट विल बी फाउंड इन द फैट टिश्यू, इट विल बी फाउंड इन द फैट टिश्यू एंड द फैट टिश्यू विल बी लोकेटेड जस्ट बिलो द स्किन ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी के स्किन के जस्ट नीचे क्या होगा, वहां पे फैट टिश्यूज होंगे, और फैट टिश्यू में क्या इकट्ठा होगा, फैट इकट्ठा होगा, ठीक है। ध्यानी कुंडारिया क्लियर हो गया, डाउट इज क्लियर। चलो यस सर, व्हाट आर द हार्ट डिजीजेस। बेटा हार्ट डिजीजेस आर द डिजीजेस, हर्षित मिश्रा, हर्षित मिश्रा, हर्षित हर्षित मिश्रा, हार्ट डिजीजेस आर द डिजीजेस विच विल डिस्टर्ब द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट। द हार्ट डिजीज विल डिस्टर्ब द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट। आपका हार्ट नॉर्मली फंक्शन कर रहा है, ब्लड को आर्टरीज और आर्टरीज में दे रहा है और वेन से वापस ले रहा है। इस काम को कोई भी ऐसा काम जो आपकी इस काम को इफेक्ट करेगा दैट विल बी कॉल्ड एज अ दैट विल बी कॉल्ड एज अ हार्ट डिजीज, ठीक है ना। चलो तो नाउ आई बिलीव दैट दिस मैच इज ओवर, ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई हैं आई बिलीव, ठीक है ना। तो चलो बच्चों, अब यहां पर हमारा फैट टॉपिक फिनिश हो गया एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक दैट वाज द प्रोटीन। ओके बच्चों, सो नाउ चिल्ड्रन आई एम गोइंग टू राइट इट डाउन हियर द नेक्स्ट टॉपिक दैट वाज द प्रोटीन, PRO EIN, प्रोटीन। चिल्ड्रन इसके बारे में मैं आपको कुछ बातें प्रोटीन दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेल्स, ये हमारे सेल्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, इनके बिना हमारे सेल्स का एग्जिस्टेंस नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। प्रोटीन्स विल हेल्प, इट विल हेल्प टू रिप्लेस वॉर्न आउट टिश्यू, वॉर्न आउट टिश्यूज,
नाउ वॉर्न आउट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉर्न आउट? डैमेज, डैमेज टिश्यू. टिश्यू क्या है? वन ऑफ द स्टूडेंट्स इन द लास्ट क्लास हैव आस्क्ड मी द क्वेश्चन, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टिश्यू? टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल्स डू कॉमन फंक्शन. टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल्स विच विल डू द कॉमन फंक्शन. ठीक है. प्रोटीन्स विल बी फाउंड इन द मसल्स एज वेल एज इन द ब्लड. इट विल बी फाउंड इन ब्लड सेल्स. ब्लड सेल्स कितनी तरह की होंगी? दो तरह की होंगी. एक होगा आपका WBC एंड RBC. दोनों में मुझे क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा. फाउंड इन द ब्लड सेल्स एंड इन मसल्स. ठीक है. मसल्स को हम क्या बोलते हैं? क्या, छोड़ो, आप लोग मत जानो उसको. ठीक है. मसल्स. फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोटीन. ओके, now one of the question has been asked by the Kruti. If human beings has attack of paralysis 2 times and our blood is thick, so what will happen? And also they had sugar. देखो बेटा, शुगर का होना या ना होना ये तो इरेलेवेंट है. अगर वो एनिमल सर्वाइव कर रहा है तो उसमें शुगर मिल रहा है तभी वो सर्वाइव कर रहा है. ठीक है. आपका क्वेश्चन ये है कि अगर किसी एक बच्चे ने अगर किसी ह्यूमन बीइंग्स में 2 बार पैरालिसिस हो गया और उसका ब्लड थिक है तो क्या होगा? देखो बेटा, पैरालाइज होना और ब्लड थिक होना, दे बोथ आर डिफरेंट थिंग. दे बोथ डू नॉट हैव एनी रिलेवेंसी. हमें पैरालाइज होना, हमारे बॉडी का पैरालाइज होना, हमारे लेग्स का पैरालाइज होना और हमारे ब्लड का सॉरी हमारे बॉडी का पैरालाइज होना है ना, हमारे हमारे जो सेल्स हैं सॉरी हमारे जो बॉडी है उसका पैरालाइज होना, लेग्स का पैरालाइज होना एंड सो व्हाट विल हैपन है ना. पैरालाइज होना और ब्लड का थिक होना, दे बोथ आर इरेलेवेंट. अगर ब्लड आपका थिक है इट मीन्स दैट यू आर हैविंग द लेस वाटर, आपकी बॉडी में कम पानी है, तभी आपका जो ब्लड है वो थिक है. ठीक है ना. आपकी बॉडी का ब्लड थिक है बिकॉज यू आर हैविंग द लेस वाटर. दिस इज द ओनली रीजन. ठीक है ना. और पैरालाइज होने का मतलब यह है कि आपके लेग्स और आपके जितने भी जॉइंट्स हैं उन जॉइंट्स में जो फ्लूइड है वो कम हो गया है. बच्चों, हमारे बॉडी में जितने भी जॉइंट्स हैं उन सभी जॉइंट्स को फंक्शनेट करने के लिए, इन सभी जॉइंट्स में फंक्शन करने के लिए, ये सारे जॉइंट्स अच्छे से काम कर पाए, इसके लिए हमारे जॉइंट्स पर लिक्विड मिलता है. क्या बोलते हैं उसको? साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं. इट विल बी कॉल्ड एज अ साइनोवियल फ्लूइड. ठीक है. तो वो फ्लूइड अगर नहीं है देन वी विल हैव द प्रॉब्लम एट द जॉइंट्स. ठीक है. ओके नाउ चिल्ड्रन, सो लेट्स हैव अ सी. ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारी बातें थी जो मैंने आप लोगों को प्रोटीन के बारे में बताया. नाउ यू ऑल कैन सी इट ऑन द बोर्ड ऑल्सो. नाउ लेट्स हैव अ सी इट ऑन द टेक्स्ट बुक.
चलिए इसको हम थोड़ा टेक्स्ट बुक से देख लेते हैं ये क्या है। ठीक है, प्रोटीन्स आर नीडेड बाय अवर बॉडी फॉर मसल्स बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग द वॉर्न आउट टिश्यूज। प्रोटीन्स विल बी नीडेड टू माई बॉडी, प्रोटीन्स विल बी नीडेड टू माई बॉडी इन ऑर्डर टू रिपेयर द वॉर्न आउट टिश्यूज, जो अभी अभी मैंने आप लोग को बताया। वॉर्न आउट टिश्यूज को रिप्लेस करने के लिए हमारी बॉडी में प्रोटीन्स मिलते हैं, दैट इज द सेल्स एंड ड्यू टू सम एक्सटर्नल इंजरीज और बिकॉज ऑफ सम इंटरनल मेंटेनेंस रन बाय द बॉडी, दीज विल बी रिप्लेस विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटीन। आपकी बॉडी में प्रोटीन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा अच्छे से आप उसको रिप्लेस कर पाओगे। ठीक है ना, प्रोटीन्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर मसल बिल्डिंग, तो प्रोटीन्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर मसल बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग द वॉर्न आउट टिश्यूज एंड रिपेयरिंग द वॉर्न आउट टिश्यूज। आवर मसल्स ऑर्गेन्स एंड इवन द ब्लड आर मेड अप ऑफ मोस्टली प्रोटीन, आवर मसल्स ऑर्गेन्स एंड इवन द ब्लड आर मेड अप ऑफ मोस्टली प्रोटीन। हमारे बॉडी में जो मसल्स होते हैं, मसल्स ऑर्गेन्स और जो ब्लड होते हैं, ये सारे के सारे प्रोटीन से मिलाकर के बनते हैं। आवर मसल्स ऑर्गेन एंड इवन द ब्लड आर मेड अप ऑफ मोस्टली प्रोटीन। मसल्स ऑर्गेन और ब्लड ये सब किससे मिला के बनते हैं, प्रोटीन से मिला के बनते हैं। मसल्स ऑर्गेन और ब्लड, मसल ऑर्गेन और ब्लड किससे मिला के बनते हैं, प्रोटीन से मिला करके बनते हैं। ठीक है, अब देखो, इफ वी डू नॉट ईट द पल्सेस, इफ वी डू नॉट ईट द पल्सेस इफ वी डू नॉट ईट द पल्सेस यू ऑल नो दैट द पल्सेस आर द सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। यू ऑल कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, फिगर 2.3 में आप सभी को दिख रहा है कि दीज ऑल आर द सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। ठीक है ना, proteins are needed by our body, if we do not eat the protein our body will not be able to repair the damaged cells or build new ones. Proteins in our diet come from both animals and the plant sources, proteins in our diet come from both animal and the plant sources, meat, fish, eggs and the milk are animal sources of protein. Meat, fish, egg and the milk are the animal sources of protein. ये protein के animal sources हैं, ठीक है? Pulses, soya bean, gram and the nuts are the sources of protein of the plant. So pulses, soya bean, gram or nut. Pulses, soya bean, gram or nut. Pulses, protein, soya bean and the nuts. Pulses, soya bean, gram and the nuts. These we will got from the plant as a source of protein in our body. Okay, children. Now, anybody of you is having any doubt in the protein? प्रोटीन में अभी और किसी को डाउट है, देन प्लीज यूज योर चैट बॉक्स। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन हो जाइए सभी लोग। पेज नंबर 26, ऑल ऑफ यू पेज नंबर 26। पेज नंबर 26
विटामिन्स। सी चिल्ड्रन, व्हाट आर दीज विटामिन्स? ये विटामिन्स क्या होते हैं? देखो बच्चों, आपको विटामिन्स के बारे में ये बात जाननी होगी कि विटामिन्स आर दे आर नॉट गोइंग टू प्ले एनी डायरेक्ट रोल इन आवर बॉडी। विटामिन्स हमारी बॉडी में किसी भी तरह का कोई भी डायरेक्ट रोल प्ले करने वाले नहीं है। दे आर नॉट गोइंग टू प्ले एनी टाइप ऑफ डायरेक्ट रोल इन आवर बॉडी, बट दे विल हेल्प इन ऑल द डिफरेंट सिस्टम्स टू बी अकर। हमारी बॉडी में डिफरेंट सिस्टम्स को होने के लिए हेल्प प्रोवाइड करेगा कौन? विटामिन। मतलब विटामिन खुद कोई काम नहीं करेगा, बल्कि हमारे बॉडी में जितने काम हो रहे हैं उस काम को होने में हेल्प करेगा कौन? विटामिन। विटामिन इटसेल्फ आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, बट दे आर गोइंग टू हेल्प इन द डिफरेंट फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी के डिफरेंट फंक्शनिंग में ये हेल्प करेगा कौन? विटामिन। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? विटामिन्स के केस में आप यहां पर लिख सकते हो, डू नॉट प्ले डायरेक्ट रोल इन द बॉडी। हमारे बॉडी में इसका कोई भी डायरेक्ट रोल नहीं होता है। नाउ द विटामिन्स आर हैविंग द टू कैटेगरीज। कौन कौन से होते हैं? द फर्स्ट नंबर, देखो मैं यहां पे दो लाइन बना देता हूं। द फर्स्ट नंबर विल बी कॉल्ड एज अ फैट सॉल्यूबल। फैट सॉल्यूबल विटामिन एंड द नेक्स्ट नंबर वाटर सॉल्यूबल। वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स, वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स, फैट सॉल्यूबल एंड द वाटर सॉल्यूबल। देखो फैट सॉल्यूबल ए डी ई एंड के, विटामिन ए डी ई एंड के आर द फैट है, कैन बी फॉर्म बाय सनलाइट ऑल्सो। याद रखना बच्चों, दे विल बी स्टोर इन दी फैट ऑफ दी बॉडी। जहां कहीं भी हमारे बॉडी में फैट होगा वहां पे ये स्टोर हो जाएंगे, ठीक है ना। दे विल डू फंक्शन कम आउट, दे विल कम आउट ओनली, दे विल कम आउट ओनली व्हेन द फंक्शन विल बी इन दी बॉडी। यस कृति कालावाडिया, आई नॉट हैव एनी डाउट इन प्रोटीन। ओके बेटा, ओके, दैट्स गुड। नो सर, कैमरा बंद कर। हेलो गौरव सर, सॉरी, विल सेंड रिकॉर्डिंग। आई
आप लोग अपना अपना कैमरा बंद करो। गौरव सर ओके हेलो हाँ नेत्रा बोलो रिकॉर्डिंग हेलो हाँ नेत्रा बोलो बोलो हेलो नेत्रा बोलो क्या बोलना है बोलो सर यू विल सेंड रिकॉर्डिंग हाँ ठीक है मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आपको आप मुझे हाई करके भेजना मैं आपको भेज दूंगा रिकॉर्डिंग सर आपको रिकॉर्डिंग भेजना जिया दत्रोजा व्हाट इज टुडेज होमवर्क बेटा आज का होमवर्क मैं आपको बताऊंगा पहले टॉपिक फिनिश तो होने दो क्लास कितने बजे खत्म होती है आपकी 11:20 पे खत्म होती है ना तो फिर एज फार एज द विटामिन्स आर कंसर्न जहां तक विटामिन्स का सवाल है विटामिन्स दे आर दे डू नॉट प्ले एनी डायरेक्ट रोल इन द बॉडी हमारे बॉडी फंक्शनिंग में कोई डायरेक्ट रोल प्ले नहीं करते बॉडी में नहीं करते डू नॉट प्ले एनी डायरेक्ट रोल इन द बॉडी हमारे बॉडी में कोई भी डायरेक्ट रोल प्ले नहीं करते विटामिन की अगर मैं बात करूं देन दे विल बी कैटेगराइज इन टू द टू वे फैट सोल्यूबल एंड द वॉटर सोल्यूबल विटामिन वॉटर सोल्यूबल विटामिन क्या होते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा पहले आप फैट सोल्यूबल विटामिन के बारे में जानो फैट सोल्यूबल विटामिन की कैटेगरी कौन कौन सी होगी विटामिन ए डी ई एंड के विटामिन ए डी ई एंड के दे ऑल विल बी कॉल्ड एज अ फैट सोल्यूबल विटामिन तो फैट सोल्यूबल विटामिन का मतलब क्या होता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैट सोल्यूबल मतलब दीज विटामिन विल बी स्टोर्ड ओनली इन द फैट टिश्यूज ये जो होंगे वो क्या होंगे स्टोर हो जाएंगे फैट टिश्यूज में दे विल बी स्टोर इन द फैट टिश्यूज ये क्या हो जाएंगे स्टोर इन द फैट टिश्यूज ये हमारे फैट टिश्यूज में स्टोर हो जाएंगे दे विल बी स्टोर्ड इन द फैट टिश्यूज ठीक है एंड अगर मैं इनकी बात करूं तो विटामिन ए डी ई और के दे विल बी स्टोर्ड इन द फैट टिश्यूज व्हाट डज इट मीन फैट टिश्यूज में स्टोर होने का मतलब क्या है दे विल बी एब्सेंट फ्रॉम द ब्लड These vitamins will be absent from the blood. हमारी बॉडी का जो ब्लड है उस ब्लड में आपको विटामिन ए डी ई और के नहीं मिलेगा अच्छा नहीं मिलेगा तो कहां मिलेगा ये मिलेंगे हमारे फैट टिश्यूज में नाउ फैट टिश्यूज कहां मिलते हैं हाथ दिख रहा है आप लोगों को मेरा दिस इज द स्किन जस्ट बिलो द स्किन फैट टिश्यूज विल बी फाउंड हमारे स्किन के जस्ट नीचे क्या मिलेंगे आपको फैट टिश्यूज मिलेंगे और फैट टिश्यूज में कौन मिलेगा ये सारे विटामिन मिलेंगे बच्चों याद रखना दीज विटामिन आर नॉट द पार्ट ऑफ आवर ब्लड दीज विटामिन आर नॉट गोइंग टू ऑलवेज रोटेट इन आवर बॉडी दीज विटामिन आर नॉट गोइंग टू मूव ऑलवेज इन आवर बॉडी ये विटामिन कभी भी हमारे बॉडी में ब्लड के साथ मूव नहीं करते ये विटामिन हमेशा ही ये सारे विटामिन हमेशा फैट टिश्यूज में जाकर के स्टोर हो जाते हैं बट वेन एवर दे विल बी इन द नीड जब कभी भी हमें इसकी जरूरत होगी एट दैट टाइम दे विल बी कम इन चारों में से जो विटामिन डी है कैन बी फॉर्म बाय सनलाइट कैन बी फॉर्म बाय सनलाइट इन चारों में से जो विटामिन डी कैन बी फॉर्म बाय द सनलाइट ऑल्सो विटामिन डी हमारी बॉडी माई बॉडी आवर बॉडी कैन मेक विटामिन डी फ्रॉम द सनलाइट ऑल्सो आवर बॉडी कैन मेक विटामिन डी फ्रॉम द सनलाइट ऑल्सो ठीक है ना नाउ
The fat-soluble vitamins stored in the fat of the body come out only when the function will be there in the body. ठीक है? I think the fat-soluble vitamin is done to all of you. Now the next number, water-soluble vitamin. इसमें कौन-कौन से होते हैं भाई? इसमें होता है आपका विटामिन B1, B2, B3, B6, B12 एंड द फॉलिक एसिड. कौन कौन सा होगा इसमें? इसमें आएगा आपका विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B12, जिसका एक और नाम है, इसको हम बोलते हैं साइनोकोबालामिन, और फॉलिक एसिड. फॉलिक एसिड, दे ऑल कंबाइंडली, दे ऑल कंबाइंडली विल बी कॉल्ड एज अ, आमतौर पर एनर्जी की कमी हो जाती है तो डॉक्टर आपको एक सिरप लिखता है. क्या नाम होता है सिरप का? पढ़ा है कभी? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की सिरप आती है मार्केट में. जब कभी भी आप बीमार होते हो, आपकी बॉडी में वीकनेस होती है, आप बोलते हो कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत ज्यादा वीकनेस फील हो रही है, ठीक है, तो डॉक्टर बोलते हैं कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं आपको एक शीशी लिख देता हूँ, मैं आपको एक सिरप लिख देता हूँ, उसमें से 2 ढक्कन सुबह 2 ढक्कन शाम को पीना तो ठीक हो जाओगे. ठीक है, तो सिरप में क्या होता है जो आप पीते हो? उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है. तो बी कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या? ये सारे विटामिन, विटामिन B1, B2, B3, B6 एंड B12 और फॉलिक एसिड, ये सारे के सारे आपकी बॉडी में पहुंच जाते हैं. कैसे पहुंच जाते हैं? विद हेल्प ऑफ अ मेडिसिन, जो आप खा रहे हो, जो आप पी रहे हो सिरप. ठीक है ना? तो ये सारे विटामिन क्या है? वाटर सोल्युबल विटामिन है. दीज विटामिन विल प्ले रोल इन आवर नॉर्मल फंक्शनिंग. क्या होगा? दे विल प्ले डायरेक्ट रोल. ये सारे जो विटामिन हैं वो हमारे बॉडी में डायरेक्ट रोल प्ले करेंगे, प्ले डायरेक्ट रोल इन दी फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, इन दी फंक्शनिंग ऑफ बॉडी. दे विल प्ले डायरेक्ट फंक्शनिंग ऑफ बॉडी. ठीक है, तो दीज नीड टू बी सप्लाइड एवरी डे. दीज विटामिन आर नीड टू बी सप्लाइड रेगुलरली इन आवर बॉडी. इन विटामिन की जरूरत हमें रोज हमारी बॉडी में पड़ती है. दीज विटामिन आर नीड टू बी हियर इन आवर बॉडी एवरी डे. इन विटामिन की जरूरत रोज हमें हमारी बॉडी में पड़ती है. जबकि ये सारे विटामिन हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं. वेन एवर वी विल बी इन द नीड, जब कभी भी हमें जरूरत होगी तो ये विटामिन ऑटोमेटिकली फैट टिश्यू से निकल करके द साइट वेयर दे विल बी नीडेड, दे विल बी गो एंड दे विल डू देयर वर्क. एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? विटामिन में किसी को कोई डाउट? एनीबडी ऑफ यू इज हैविंग एनी डाउट इन द विटामिन? ठीक है बेटा, तो चलो विटामिन के बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं. ऑल ऑफ यू नाउ प्लीज सी इन द टेक्स्ट बुक. आप सभी लोग टेक्स्ट बुक में देखो. नाउ सी हियर, विटामिन आर नीडेड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी. विटामिन आर नीडेड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी. दे हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी. ये हमारे आईज को, हमारे बोन्स को, टीथ को और गम्स को रेडी रखते हैं. गम्स मतलब हमारे माउथ में जो सॉकेट है, हमारे टीथ का जो सॉकेट है, जिस सॉकेट के अंदर टीथ फिक्स है उसको क्या बोलते हैं? गम. ठीक है ना? देयर आर द 13 टाइप्स के विटामिन होते हैं, ईच ऑफ विच हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन. ईच ऑफ विच हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन. विटामिन आर ऑफ 2 टाइप्स. विटामिन दो तरह के होते हैं, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल. फैट सोल्यूबल एंड विटामिन एंड वाटर सोल्यूबल. ठीक है, चलिए सबसे पहले फैट सोल्यूबल देखते हैं. फैट सोल्यूबल A, D, E, N, K आर द फैट सोल्यूबल विटामिन.
Vitamin A, D, E, and K are the fat soluble vitamins. Okay, they will be stored. They are stored in the fat tissues of our body and are used only when the body needs them. Our body prepares vitamin D in the presence of sunlight. अच्छी बात है. So fat soluble vitamins are A, D, E, and K. They will be used only when the body will need it. They will be used only when the body will be used. They will be used only when the body will use them. Whenever the body will be in the need of them. ठीक है ना. अब इन सभी में से केवल विटामिन डी ऐसा है जिसको कि हम जो सनलाइट की प्रेजेंस में बन जाता है. ठीक है. चलो नाउ नेक्स्ट नंबर फॉर वाटर सोल्युबल विटामिन. जस्ट अ मिनट. बेटा जस्ट अ मिनट जस्ट अ मिनट जस्ट अ मिनट. वन ऑफ यू हैव आस्क्ड मी अबाउट द वाटर सोल्युबल विटामिन. आप में से किसी एक बच्चे ने मुझे अभी पूछा था कि सर वाटर सोल्युबल विटामिन एक बार और समझा दीजिए. तो देखो मैं अभी टेक्स्ट बुक से आपको समझा रहा हूं, आप ध्यान दो. Now, water soluble vitamins. Vitamin B1, B2, B3, B6, B12 and the folic acid. Vitamin B1, B2, B3, B6, B12 and folic acid. इन सबको मिला के मैं क्या बोलता हूँ? Vitamin B complex. ठीक है ना? Known as vitamin B complex and the vitamin C are water soluble vitamins. ठीक है? देखो मैं यहाँ पे add कर देता हूँ. विटामिन B1, B2, B3, B6, B12, फॉलिक एसिड एंड विटामिन सी. ठीक है. इन सबको मिलाकर मैं क्या बोलूंगा? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. इन सबको मिलाकर मैं क्या बोलूंगा? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. तो वाटर सॉल्युबल विटामिन में ये सारे विटामिन आएंगे और प्लस क्या आएगा? विटामिन सी आएगा. ठीक है. ओके चिल्ड्रन. नाउ सिंस द वाटर सोल्युबल विटामिन आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी सप्लाइड द फूड आइटम्स सच एज सिट्रस फ्रूट स्पिनेच एंड अदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. सिट्रस फ्रूट स्पिनेच वेजिटेबल्स. The lack of vitamins in the body can cause deficiency diseases. The lack of vitamins in the body. हमारी body में अगर vitamins कम होंगे, अगर हमारे body में vitamins कम होंगे, then there will be a problem in the normal functioning of our body. ठीक है ना? तो हमारे body के normal functioning में problem होगी. Okay बेटा? Okay, now the deficiency of vitamin, we will get these items from the citrus fruit, spinach, other leafy vegetables. The lack of vitamins in the body can cause deficiency disease. अगर मेरी body में vitamin कम हो जाएगा तो मुझे क्या हो जाएगा? Deficiency diseases. ठीक है ना? तो I think the vitamin topic is clear to all of you. और vitamin की सारी बातें मैंने आप लोग को बता दी है. Okay बच्चों? So now that's all for today. Your today's homework will be MCQ. Fill in the blanks. Question number 2-3. MCQ question number 1-2. Fill in the blanks. Question 2-3. MCQ question. Am I clear to everyone? Fill in the blanks. Question 2-3. MCQ question 1-2. This is your today's homework.
दिस इज योर टुडेज होमवर्क. ओके ओके बेटा, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. नाउ यू ऑल कैन एग्जिट.